कटी मछलियां भी तैरती हैं, मतलब किसी के पंख नहीं है, किसी का सर कटा हुआ है, किसी की पूंछ कटी हुई है, ऐसी मछलियां आज इस ताल में तैरती हैं आज। अबे बोट पलट गई सामने यार, वो देखो सामने बोट पलट गई। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ घूमने, क्योंकि यहाँ हो रही बहुत ज्यादा गर्मी और संदीप भाई भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं, चलते हैं हम पहाड़ों की तरफ को। आपको पता ही है, हम हमेशा सुकून की तलाश में पहाड़ जाते हैं, आज भी हम पहाड़ चल रहे हैं और घूमते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कितना सुकून मिलता है पहाड़ों में और वापस आते हैं शाम तक। तो अभी चलते हैं संदीप और मैं, संदीप भाई भी आ गए हैं और हमारे पास हमारा हेलमेट तैयार है, बाइक सामने रोड में तैयार है, तो चलते हैं। गाइस, हम कहीं घूमने निकले हैं और सर हमें जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, फिर से आज हम जाम में फंस गए हैं। ये देखिए कितना तगड़ा जाम फंस गया, फिर भी संदीप भाई पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं जाम से निकलने के लिए। निकल जाएंगे टाइम से, तो पहुंचेंगे पहाड़ों में। हल्द्वानी से हम पहाड़ों में आ चुके हैं और बड़ी मुश्किल से आज पहाड़ों में आ पाए, क्योंकि हमें या तो इतना ट्रैफिक मिल जाता है या फिर पुलिस वाले हमें दूसरे रूट में भेज देते हैं। आज पहली बार पुलिस वालों ने हमें सही रूट में जाने दिया, हम जहां आना चाहते थे वहीं आज हमें जाने दिया, पुलिस वालों ने रोका नहीं। हालांकि वो बहुत सारे लोगों को रोक रहे थे लेकिन आज हमें नहीं रोका, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। और हम पहाड़ों में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, यहाँ अच्छा सा मौसम हो रहा है, हमें थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर आगे को चलेंगे। अभी और आगे जाना हमने, हम जाएंगे सात ताल, पहले भीमताल चलते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर मन हुआ तो सात ताल जाएंगे, सात ताल भी काफ़ी अच्छी जगह है। चल देखते हैं, आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और मुझे पहाड़ों में घूमना काफ़ी पसंद है गाइस, अभी हम बार बार पहाड़ों में आ जाता हूँ और पहाड़ हमसे ज़्यादा दूर भी है नहीं, हम तो पहाड़ों में पैदा हुए। अभी हालांकि हम मैदान में रहते हैं लेकिन पहाड़ों से बहुत प्यार है। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए भीमताल में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं भीमताल का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और वो पीछे ताल के बीच में एक टापू है, इतना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी मौसम भी अच्छा है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बिल्कुल गर्मी नहीं है। हमारे यहाँ तो काफ़ी गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये देखिए भीमताल झील का नज़ारा काफ़ी सुंदर, इस झील के बीच में एक टापू है जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और यहाँ काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सुंदर झील है। और बत्तख देखिए, बत्तख लाइन से लगे पड़े हैं जाते हुए, और ये कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और काफ़ी खूबसूरत भी है, लंबाई में सबसे बड़ी झील है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, बाकी गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ी झील शायद नौकुचिया ताल है। ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, यहाँ पे बोटिंग करते हुए लोग। सो गाइस, ये झील हल्द्वानी से 30 किलोमीटर लगभग की दूरी पे है और काफ़ी सुंदर मौसम भी है यहाँ का, काफ़ी सुंदर नज़ारा भी है। चल, और मेरे साथ संदीप अपनी कुछ ना कुछ वीडियो शूट करने में लगा पड़ा है, टाइमलेस वीडियो शूट कर रहा है। दो लोग के साथ आने में काफ़ी फायदा हो जाता है हम लोगों को, एक तो हमारा खर्चा कम लगता है और दूसरा हम लोग का सपोर्ट हो जाता है। और वो कौन सा है, वो कौन सा है जिसमें कहा क्या है कि जिसकी गहराई में नाप पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गहराई सबकी नाप ली है, ये तो खाली भ्रम है। गहराई इसलिए बोलते हैं ना, इसे वैसे बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा गहरा वो मेरियाना ट्रेंच तक नाप दिया, तो फिर यही है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। बेहतरीन, यहाँ पे बेहतरीन नज़ारा, वाटर स्पोर्ट्स। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, भूला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहर समंदर पे। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं नल दमयंती ताल के पास और हम जा रहे हैं नल दमयंती ताल के करीब जा रहे हैं, मेरे पीछे संदीप आ रहा है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नल दमयंती ताल के करीब और ये एक खूबसूरत ताल है, सात ताल के करीब ये ताल है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे बैठने के लिए। वैसे यहाँ बोटिंग वोटिंग कुछ होती दिखाई नहीं दे रही, और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं वैसे ही हमारे अलावा, काफ़ी बेहतरीन सुंदर ताल है यहाँ से लेकर, इतनी बड़ी ताल यहाँ पर है ये, मतलब पूरे पहाड़ों के बीच में
एक शांतिमय बैठने की जगह लग रही है, काफी सुंदर जगह है, यहाँ पर एकदम शांति फील हो रही है, मजा आ गया। सो गाइस अभी हम हैं नल दमयंती ताल पर, इस ताल के करीब ही एक ताल है और इस ताल के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर राजा नल और रानी दमयंती ने निवास किया था और राजा नल ने इस ताल से मछलियां निकालकर रानी दमयंती को पकाने के लिए दी और उन्होंने कढ़ाई में मछलियों को काट के रखा था और वो किसी कारण से कढ़ाई से उछलकर पानी में वापस गिर गई और आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर कटी फटी मछलियों का अंग दिखाई देते हैं, कटी मछलियां भी तैरती हैं। क्या बोला तूने? मतलब किसी के पंख नहीं है, किसी का सर कटा हुआ है, किसी की पूंछ कटी हुई है, ऐसी मछलियां आज इस ताल में तैरती हैं, आज भी दिखाई देती हैं बोलते हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई ऐसी मछली दिखाई नहीं दी, कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाई दे अगर ऐसी मछली तो मजा आ जाए, आपको भी दिखाऊंगा। और ये भी काफी अच्छी जगह है यहाँ पर और यहाँ पे काफी शांति है, मतलब बैठने के लिए तो बहुत ही प्यारी जगह है। और ये देखिए यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, वैसे पीछे मेरे पीछे देखिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, जिसको बिल्कुल एकदम शांति में रहना पसंद है, एकदम सुकून में रहना पसंद है, वो यहाँ पर जरूर आए और यहाँ पे आराम से बैठे हैं काफी देर, बहुत ही सुकून फील हो रहा है यहाँ पे। और हम पहाड़ों में आए थे सुकून की तलाश में, तो वो हमारा सक्सेस हो गया पहाड़ों में आना। सो गाइस इस ताल के बारे में हमने सुना था बचपन में, किताबों में पढ़ा था कि यहाँ पर कटी फटी मछलियां मिलती हैं, कटी हुई मछलियां के पार्ट्स मिलते हैं, अंग मिलते हैं, अलग अलग कटी हुई मछलियां मिलती हैं, तो जिसके बारे में मैंने कहानी आपको बताई दी है। और इस ताल में हम काफ़ी देर से मैं वही मछलियां ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है, अगर मिल गई तो आपको जरूर दिखाऊंगा, वैसे कह नहीं सकते अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी कोई मछलियां दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। और गाइस बहुत सुकून है यहाँ, असल में हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए थे कि हम काफ़ी सुकून में बैठ सकें, वहाँ पे मैदान में काफ़ी गर्मी हो रही है तो हमने सोचा कि यहाँ आराम से सुकून में बैठेंगे, नई जगह घूम भी लेंगे, तो यहाँ हमारा आना यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ क्योंकि हमें काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा है यहाँ पर। अभी संदीप अपना फ़ोन लेने गया है और एक बार फिर से देखिए नल दमयंती ताल का नज़ारा। अभी हम इस ताल में पत्थर फेंकेंगे, कहाँ तक जाता है वाला, ऐसे ताल में पत्थर फेंकेंगे ना, आ जाओ कौन कितने दूर तक पहुंचाएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कौन फेंकता दूर तक पत्थर क्यों, चल ठीक है आ जा। सो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, अभी हम नल दमयंती ताल से आगे को चलते हैं, अब हम जा रहे हैं सात ताल, फिर वहाँ भी देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर को क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लगभग 4 बजे है और सूर्य कुछ किरणें अभी आ रही हैं लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में सूर्य ढलने लग जाएगा और हमें जाना भी हल्द्वानी है। वैसे यहाँ तैरना मना है ताल में लेकिन यहाँ काफ़ी लोग तैर भी रहे हैं और यहाँ पर कुछ गंदगी फैलाना मना है, वो भी गंदगी बहुत फैला रहे हैं यहाँ पर, कुछ खाना पीना और सब यहाँ पे चेतावनी लिखी गई है, फिर भी लोग कहाँ मानते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए सब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सात ताल और ताल में काफी खूबसूरत नजारा और यहाँ पे बोटिंग हो रही है, काफी लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अलाव है शायद बोटिंग। अभी मैं सात ताल की सड़क पे हूँ, यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी लग रहा है दुकानें हैं यहाँ सात ताल पे, तो खाते हैं कुछ देखते हैं। और अभी यहाँ सात ताल में काफी मजा आ रहा है, यहाँ पे बोटिंग हो रही, बोटिंग करने का मेरा कोई मूड नहीं है, अभी यहाँ पे खाने की कुछ चीजें देख के मन करने लगा, भूख लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, देखते हैं क्या खाते हैं। अभी बोट पलट गई सामने, यार वो देखो सामने बोट पलट गई, बोट पलट गई सामने और वो लोग नीचे गिर गए भाई, वो तो उन्हें लाइफ जैकेट पहनी हुई है इसलिए डूब नहीं रहे, नहीं तो अभी तो इनका हो गया था भाई काम। भाई साहब अब तो मुझे और ज़्यादा, अब मैं नहीं करने का बोटिंग, वैसे भी मूड तो था नहीं, अब तो वैसे भी नहीं करूँगा, उसका चप्पू भी उसी में गिर गया है, भाई बोट पलट जा रही है लेकिन हाँ चलो ठीक है, तो लास्ट कोने में पलटी है, ज़्यादा गहरा नहीं है शायद वहाँ पे, चलो सेफ है, चलो चलो कोई बात नहीं, वो तैर के आप कोने पे आ गए, लेकिन संदीप भाई संदीप जाएगा वोटिंग करेगा अब तो नहीं करनी वोटिंग क्यों। और एक खूबसूरत बोर्ड यहाँ पे, लेकिन ये है तो खूबसूरत लेकिन साली पलट जा रही है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें अब, और लोग काफी लोग वोटिंग कर रहे हैं लेकिन पलटने का भी डर है यार इसमें, तो इसमें पलटने का भी डर है, तो डर लग रहा है, मैं तो नहीं जाने का, जहाँ पे वो बोट पलटी उसके पास चलते हैं।
देखो गाइस उसकी बोट पलट गई थी, वो अभी भी तैर ही रहा है। यहाँ सभी तालों की अपनी अपनी अलग अलग खूबसूरती है और यहाँ की सुंदर वादियाँ काफी सुंदर हैं और यहाँ पे काफी घने पेड़ हैं, अलग अलग काफी लंबे पेड़, ये देखिए ऊपर तक देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ऐसे काफी पेड़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे शाम को घूमने में काफी मजा आएगा और नल दमयंती ताल में काफी शांति है वहाँ पे, और भीमताल में भी अलग रौनक है, नैनीताल तो फिर नैनीताल ही है। सात ताल पे हैं और काफी भूख लग गई है तो हमने कुछ खाने का ऑर्डर किया है, संदीप कुछ ऑर्डर देने गया है, हम कुछ खाते हैं पीते हैं उसके बाद चलते हैं घर को, काफी शाम भी होने लगी है। सो गाइस हमारा कढ़ी चावल आ गया है और देखने में इतना मस्त लग रहा है, देखते हैं खाते हैं कितना स्वादिष्ट होगा, उसके बाद खाना खा के चलते हैं घर को। गाइस अब हमने खाना वाना खा लिया है, अब चलते हैं घर को, शाम को 5 बजने वाले हैं, लगभग बज गए होंगे 5। आज हमने 3 ताल घूम लिए हैं, भीम ताल, नल दमयंती ताल और ये 7 ताल पीछे है मेरे, और संदीप भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नाम है ब्लॉग इन एक्स, हम दोनों के साथ ट्रैवल करते रहते हैं तो दोनों भाइयों को सपोर्ट करो, और अब चलते हैं घर को, इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।